नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम एक रोचक कथा सुनेंगे पितामह भीष्म के ऊपर। और कह सकते हैं कि पितामह भीष्म की जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ संदर्भ, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हम संक्षिप्त में सुनेंगे। भीष्म पितामह, संपूर्ण कहानी पूर्व जन्म से मृत्यु तक। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई नायक हैं। उनमें से एक नायक भीष्म पितामह भी है। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन बहुत से लोग उन्हें उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते, जैसे भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, उनके गुरु कौन थे और उन्हें क्यों अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। आज हम आप सबको इस लेख में भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की संपूर्ण कहानी बताएंगे। पूर्व जन्म में वसु थे भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति ग्यो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह यह गाय अपने सखियों के लिए चाहती है। पत्नी की बात मानकर ग्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस ज्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। महाभारत के अनुसार ज्यो नामक वसु ने गंगापुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म? भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदर स्त्री देखी। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस पत्नी ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस पत्नी से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु ने यहां 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर कभी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूं तथा जिन पुत्रों को मैं नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूं। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। देवव्रत था भीष्म का असली नाम। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा सा जल रह गया है।
और वह कभी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों से प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देखकर गंगा उसे शांतनु को सौंप कर चली गई। शांतनु ने देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। नेक्स्ट चैप्टर, इसलिए देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे, तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की उत्तराधिकारी हो तो मैं उसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूं। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री के संतान को मार कर राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उसका नाम भीष्म पड़ा। नेक्स्ट चैप्टर, भीष्म ने किया था काशी की राजकुमारियों का हरण। भरतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। तभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही उसी के नाम के गंधर्व राज चित्रांगद ने उसका वध कर दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। जब भीष्म ने देखा कि विचित्रवीर्य युवा हो चुके हैं तो उन्होंने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर भी हो रहा था, लेकिन काशी नरेश ने द्वेषता पूर्वक हस्तिनापुर को न्योता नहीं दिया। क्रोधित होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में गए और वहां उपस्थित सभी राजाओं और वह काशी नरेश को हरा कर उनकी तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका, अंबालिका को हर लाए। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन में राजा शाल को अपना पति मान चुकी है। यह बात जानकर भीष्म ने अंबा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर, भीष्म ने क्यों किया अपने गुरु से युद्ध। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन
किसी और को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसे अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने असर रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। नेक्स्ट चैप्टर, भीष्म ने दिया था युधिष्ठिर को विजय होने का आशीर्वाद। जिस समय कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल दिए। कौरव सेना में जाकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया और युद्ध करने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। तब भीष्म ने कहा कि यदि तुम इस समय मेरे पास न आए होते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी ही विजय होगी। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि आपको तो युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता, हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे? भीष्म ने कहा, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसे तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं, इसलिए तुम किसी दूसरे समय आकर मुझसे मिलना। भीष्म ने दिलाया था श्री कृष्ण को क्रोध। जब पांडवों और कौरवों का युद्ध आरंभ हुआ, उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाण वर्षा कर भयभीत कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भीष्म पितामह से युद्ध करे। अर्जुन और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन युद्ध में ढीले पड़ गए और पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और वे रथ से उतर गए। श्री कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी तेजी से भीष्म की ओर झपटे। श्री कृष्ण को के इस रूप को देखकर भीष्म बिल्कुल ही भयभीत नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा देख अर्जुन रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आश्वस्त किया कि अब मैं युद्ध में ढिलाई नहीं करूंगा, आप युद्ध मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण शांत हो गए और पुनः अर्जुन का रथ हाँकने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, भीष्म ने स्वयं बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। भीष्म ने स्वयं बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना से भयंकर मारकाट मचाई। पांडव भी भीष्म का यह रूप देखकर डर गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए और उनसे पूछा कि आपको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। तब भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद ही तुम यह युद्ध जीत सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे हुई भीष्म पितामह की पराजय। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देख भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बिंधने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था।
उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर को दिया धर्म ज्ञान। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर है, आप उनके पास चलकर आप उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह है हो उनके बारे में पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो, जब सूर्य उत्तरायण को जाए उस समय फिर मेरे पास आना। ऐसे त्यागे भीष्म पितामह ने अपने प्राण। जब सूर्य उत्तरायण को हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो चुके हैं, दिन हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। ऐसा कहकर भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप रहे। इसके बाद वे मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धाराओं में स्थापित करने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता गया उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भी भर जाता। भीष्म जी ने अपने देह को सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया, इसलिए वह उनका मस्तक ब्रह्मरथ फोड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार महात्मा भीष्म के प्राण आकाश में विलीन हो गए। थैंक यू।